मानव विकास संगठन हरियाणा चैनल पर आपका स्वागत है। और जो ये मॉर्निंग मॉर्निंग में एडवेंचर जो कैंप लगा था 2021-22 और वो आज संपन्न हो गया है 16 नवंबर को, 12 नवंबर से 16 नवंबर तक था। और सभी बच्चे यमुनानगर के जो है जगाधरी बस स्टैंड पर पहुंच चुके हैं। अभी यहां से वो जो है घर की तरफ रवाना होंगे और हम बच्चों से अब इस एडवेंचर कैंप में बच्चों ने काफ़ी कुछ सीखने को मिला। उन्होंने वहाँ पर ट्रैकिंग की, ट्रैकिंग के बाद फिर अलग अलग इवेंट्स सीखे, कमांडो नेट की प्रैक्टिस की, आर्चरी का के बारे में सीखा और दूसरी जो एक्टिविटीज़ थी उसका भरपूर जो है आनंद उठाया। और 5 दिन तक जो है सभी बच्चे मॉर्निंग कैंप में रहे। अब हम जो है बातचीत करेंगे आयुष से। आयुष, आपका कैसा अनुभव रहा? सर, मेरा अनुभव बहुत बढ़िया रहा, बिल्कुल मज़ा आया हमें। और हमें ना तो वहाँ कोई चीज़ की दिक्कत थी ना टेंशन थी। और आपने जैसे कि पहले सर की वीडियो भी देखी होगी तो उसमें आपने देखा मैं वहाँ कितना मज़ा करा। मेरा मानना ये है कि सब जाएँ, सब मज़ा करें। और सबसे सुरक्षित जगह है जहाँ हम रह रहे थे, बिल्कुल सुरक्षित सर। वहाँ पर बिल्कुल आनंद भरा माहौल था, सारे टीचर्स अच्छे थे, सारे जो हमारे टीचर थे सब अच्छे थे सर। और जो वहाँ का व्यू था वो बहुत बढ़िया था, तो हमारा अनुभव सबसे बढ़िया था। और मैं लेह लद्दाख भी गया हूँ, सारी जगह गया हूँ और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी जगह ये लगी है मॉर्निंग हिल्स। तो सब जाएँ और सब घूम के आएँ। मॉर्निंग हिल्स सबसे बढ़िया जगह है गिरगड़ताल, जो भी जाए गिरगड़ताल जरूर देखे। अब हमें आयुष से बातचीत की, उन्होंने अपना अनुभव बताया और बताया कि सभी अपने परिवार सहित भी जब भी मौका मिले तो ऐसी जगह पर उन्हें घूमना चाहिए और ऐसी जगहों का जो है आनंद उठाना चाहिए। अब हम जो है बातचीत करेंगे। बेटा, आपका क्या नाम है? गौरव। हाँ गौरव, आपको कैसा लगा एडवेंचर कैंप? बहुत अच्छा लगा जी, बहुत आनंद आया। हम सोच रहे थे अब 5 दिन गौरव आगे बढ़ा देना चाहिए उनको कैंप जी, बहुत अच्छा लगा। तो इस अब दूसरे बच्चे से हम बातचीत करेंगे, राहुल से। राहुल, जो एडवेंचर कैंप आपने जो अटेंड किया है, इस एडवेंचर कैंप के बारे में और दूसरे उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जी संदेश तो कुछ नहीं, बस यही कहेंगे जी सब ने जाना चाहिए वहाँ पे, बहुत अच्छी जगह है जी घूमने फिरने के लिए। सभी बच्चों को एक बार जाके देखना चाहिए। हाँ, और ये गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चित्रोली के बच्चे जो है हमारे साथ हैं। एक गुड़िया भी है जो स्पेशल स्टूडेंट्स में है। गुड़िया बेटे, कौन से स्कूल से आप? गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल चित्रोली। तो बेटे, एडवेंचर कैंप में आपका अनुभव कैसा रहा? अच्छा रहा। हाँ, तो क्या संदेश देना चाहेंगे दूसरे जो स्पेशल स्टूडेंट्स हैं उनको? कैंप में खाने पीने की कैसी व्यवस्था थी? और वहाँ पर कौन कौन से इवेंट्स में आपने पार्टिसिपेट किया? मेहंदी में कौन सा स्थान आपने प्राप्त किया? हाँ, प्रथम स्थान मेहंदी में जो है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल।